नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग साइंस क्लास 10 चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके आप बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज का जो हम टॉपिक करने स्टार्ट करने वाले हैं, आइए उसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर। हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर वह कार्य करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि किस रूल के द्वारा हम उसके अंदर दिशा निर्धारित करते हैं कि किस डायरेक्शन में बल लगेगा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। फिर उसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के प्रयोग के बारे में। आप सभी ने अपने आस चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। आप सभी ने अपने आसपास या अपने घरों में मोटर का प्रयोग देखा है। मोटर का प्रयोग जनरली हम अपने घरों में पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए करते हैं। तो होता क्या है, उसके अंदर जब भी उसे बिजली के द्वारा स्टार्ट किया जाता है तो पानी ऊपर पहुंच जाता है। तो बिजली से उसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी तरह से पानी को ऊपर पहुंचाना, पानी को अगर ऊपर पहुंचाया जा रहा है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा है तो वह किस तरह की ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर भी एक इस तरह का यंत्र या फिर डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आइए इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो वह एक बल को महसूस करती है जिसके कारण वह किसी दिशा में मूव करती है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है ए बी, उसके साथ हमने बैटरी को कनेक्ट किया है और एक की को यानी कि स्विच को कनेक्ट किया है। जैसे ही इस कंडक्टर ए बी को तार के द्वारा इस बैटरी से जोड़ा जाता है और की को खोल दिया जाता है यानी कि स्विच को ऑन कर दिया जाता है, तो क्या होगा, प्लस से माइनस करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे कि हम जानते हैं प्लस से माइनस करंट फ्लो करना शुरू हुआ, बी से होता हुआ करंट जो है वो कहाँ जाएगा, ए की ओर जाएगा, और ए से फिर होता हुआ वापस बैटरी में आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। और एन एस रेड कलर का आपको ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट की शेप जो है वो होशू है, इसलिए होशू मैग्नेट भी कहा जाता है। ये मैग्नेट जो है वो नॉर्थ से साउथ हमें क्या प्रदान करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करेगा। अगर इस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है ए से बी, तो हमारी जो करंट की दिशा है वो क्या हो, जो गति है वो हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, वह हो जाएगी ए से बी, मैग्नेट की तरफ वह गति करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक को रखा जाता है तो वह एक बल को महसूस करता है। उस बल के कारण हम कह सकते हैं कि उस बल, इस सिद्धांत का प्रयोग कर कर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन को करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मोटर को बनाते हैं। आइए आगे करते हैं। अब हमने क्या देखा कि जब हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया और उसके अंदर करंट फ्लो करवा दिया तो वह किस दिशा में निर्धारित होगा। यह दिशा हमें फ्लेमिंग्स ने अपने लेफ्ट हैंड रूल से बताई यानी कि बामहस्त नियम से बताई। तो आइए सीखते हैं फ्लेमिंग का बामहस्त नियम। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, बाएं हाथ को इस तरह से रखें कि हमारी जो तीनों उंगलियां हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं यानी कि लंबवत हैं, तो क्या होगा, जो हमारा अंगूठा है, जो हमारी तर्जनी है और जो हमारी मिडल फिंगर है, जो अंगूठा है वो बल को दर्शाएगा, जो तर्जनी है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो हमारी किसको दिखाएगी, विद्युत धारा को दर्शाएगी। इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। देखो फोर्स जो है वो अंगूठा दिखा रहा है, मिडल फिंग जो हमारी तर्जनी है वह हमें क्या दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और जो विद्युत धारा है वो हमें मिडल फिंगर से पता चल रही है। तो हम इसे याद करने का तरीका क्या है,
फादर मदर और चाइल्ड फोर्स के लिए एफ से हम लिख सकते हैं फादर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एम और विद्युत धारा के लिए हम यूज करते हैं वर्ड करंट फादर मदर और चाइल्ड तो ये याद करने का भी तरीका है ये लेफ्ट हैंड पर भी फॉलो होता है और ये राइट हैंड पर भी फॉलो होता है जो आपने पहले ही कर चुके हैं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से द्वारा हमें यह पता तो चल गया कि बल जो है वो किस दिशा में लगेगा अगर हमें पता है विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है हमें ये पता है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमेशा हमारा नॉर्थ से साउथ फ्लो करता है तो विद्युत धारा पता है चुंबकीय क्षेत्र पता है तो हम फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बता सकते हैं क्योंकि वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगी तो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर में आप देख सकते हैं हमने क्या लिया है हमारे पास ये दो मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ दर्शाई गई है यह एक कॉइल है ए बी सी डी जिसे हम कहते हैं आर्मेचर ये ब्रश है ब्रश का कार्य क्या होता है जो करंट बैटरी के द्वारा फ्लो कर रहा है वह अच्छे से फ्लो करे और ब्रश जो है वो प्रॉपर कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का आर्मेचर के साथ तो आइए कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इसके इसकी सबसे पहले हमारे पास क्या आता है आर्मेचर कॉइल द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड ऑन एन इलेक्ट्रिक कोर इन रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म्स एन आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी तो आप जो ये इसके अंदर एक ही कॉइल दिखाई गई है लेकिन ये कॉइल जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स की बनी होती है ताकि जो करंट की दिशा है हम ज्यादा से ज्यादा बल पैदा कर सकें इसलिए इसे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा बनाई जाती है तो जैसे ही अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ए बी सी डी जो है ये क्या है एक रेक्टेंगुलर शेप आर्मेचर कॉइल है जिसे हम क्या कहते हैं कुंडली भी कहते हैं आर्मेचर कुंडली कुछ भी कह सकते हैं इसे नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट द आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू पोल पीसेस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच के अंदर रखा जाता है इसे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नेट के पोल्स हमने पढ़ा था कि अलग नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर अगर नॉर्थ लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं दूर पर इसका साउथ भी है इसी तरह से अगर यहाँ पर साउथ लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं दूर पर इसका नॉर्थ भी है ऐसा नहीं है कि हम मैग्नेट को काट कर इसका नॉर्थ और साउथ अलग कर सकते हैं लेकिन जब हमने यहाँ रखा है तो नॉर्थ को कॉइल के एक तरफ रखा है और साउथ एंड को एक तरफ रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करेगी इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लो करेगी नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर्स यानी कि विभक्त वलय दिक परिवर्तक जिसे हमें कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स इसके अंदर क्या होते हैं दो मेटेलिक रिंग होते हैं पी और क्यू ये आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड होते हैं ये पी एंड क्यू ये हैं हमारे विभक्त वलय भी जिन्हें कहते हैं स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर्स इनका कार्य क्या होता है जब हम वर्किंग को समझेंगे तो आप इसे और आसानी से समझ पाएंगे इनका कार्य होता है कि जो आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट प्रवेश कर रहा है और एग्जिट कर रहा है वह हमेशा एक ही दिशा में करता रहे नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं हमारे पास ब्रश ब्रश का कार्य क्या होता है टू कार्बन ब्रशेस एक्स एंड वाई आर यूज टू प्रेस द कम्यूटेटर ये कम्यूटेटर और आर्मेचर के बीच में जो कॉन्टेक्ट बना हुआ है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पकड़ को बनाए रखने के लिए इन ब्रश का प्रयोग किया जाता है ब्रश एक्स एंड वाई उसके अलावा आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमने बैटरी का प्रयोग किया है और स्विच के का प्रयोग किया है बैटरी जो है वो क्या करती है करंट सप्लाई करती है आर्मेचर कॉइल को और स्विच का कार्य क्या होता है ऑन और ऑफ का कार्य उसका होता है तो आइए इसकी वर्किंग को समझते हैं वर्किंग को समझने के लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या किया जैसे ही स्विच को ऑन किया यानी कि की को बंद कर दिया वैसे ही करंट जो है
इस एंड से होता हुआ एक्स पर जाएगा, एक्स से पी पर, पी से जो हमारा करंट है वो ए की तरफ जाएगा, बी में, बी से सी, सी से डी, एंड डी से क्यू, क्यू से एक्स से होता हुआ हमारा वापस बैटरी में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। हमारी मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन हमें पता है। देखिए करंट फ्लो कर रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो इसका मतलब क्या है, वह एक बल को फील करेगी, एक फोर्स को फील करेगी, बल महसूस करेगी, जिसके कारण वह इसके अंदर घूर्णन करेगी या फिर मूव करेगी। तो वह किस तरह से मूव करेगी, आइए देखते हैं। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कॉइल ए बी सी डी, द आर्म्स ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंस फोर्स। ऐसा क्यों होता है, हमने क्या कहा था कि बल तब महसूस होगा जब वायर जो है वो लंबवत होगी। अब देखिए इसके अंदर करंट जो है वो इस तरह से जाएगा, ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी। अब देखिए ए से बी में और बी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो दिशा है वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसलिए इस वाली आर्म के अंदर हमारा बल महसूस होगा, और बी सी और इसमें देखिए सेम एंगल है, इसका मतलब एंगल जो है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री एंगल होने की वजह से हमारा जो फ्लेमिंग का बामहस्त नियम है वो भी नहीं लगेगा, और हमारी बल जो है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 0 हो जाएगा। सी से डी जाने में हमारा, हम देख सकते हैं फिर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, तो फिर से इसके ऊपर बल लगेगा। तो अब देखते हैं कि बल किस दिशा में लगेगा। अब हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मिडल हमारी जो हो गई तर्जनी हो गई, हमारी थंब के साथ वाली फिंगर, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में निर्धारित कर रही है, और जो हमारा करंट है वो ए से बी में जा रहा है, तो क्या होगा, हमारी जो ए बी कॉइल है वो कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ बल को महसूस करेगी, और जो सी डी कॉइल है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ बल को महसूस करेगी। तो इस कारण ए बी कॉइल जो है वो ऊपर धीरे 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 ऊपर जाएगी, यहां से होते हुए यहां पहुंच जाएगी, और जो सी डी तार है वो नीचे से होते हुए हमारी यहां पर पहुंच जाएगी। अब क्या होगा, सी डी यहां पर आ जाएगी और ए बी यहां पर आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सी और डी यहां हो जाएगा और ए और बी यहां हो जाएगा। अब क्या होगा, अब सी डी ऊपर की तरफ मूव करेगी और जो ए बी है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। अब देखिए अब इस स्प्लिटरिंग कॉम्यूटेटर का लगाने का मतलब क्या है, देखिए जब स्प्लिटरिंग कॉम्यूटेटर लगाया तो क्या हुआ, जब जैसे ही ये करंट फ्लो किया, वायर घूमी, वायर जो है वो किससे कनेक्टेड है, पी और क्यू से कनेक्टेड है, तो हमारी जो वायर है वह तो मूव करगी, साथ में हमारी जो स्प्लिटरिंग कॉम्यूटेटर के साथ कॉन्टेक्ट है वो पी और क्यू के साथ ही रहा, तो हमारी जो ये धुरी है ये हमेशा एक ही दिशा में घूर्णन करेगी। इस देखो पी और क्यू के साथ कॉन्टेक्ट है, जब पी ए बी इधर जाएगा, अब ए बी का कॉन्टेक्ट किसके साथ हो गया, क्यू के साथ, और सी डी का कॉन्टेक्ट जो हो गया वो हमारा किसके साथ हो गया, पी के साथ। अब ये जो हमारी धुरी लगी हुई है जिसे हम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस धुरी की दिशा तो एक ही रहेगी, ये धुरी जो है वो इसी दिशा में मूव करेगी पहले भी और बाद में भी, क्योंकि इसमें तो कोई एंड नहीं है ना ए बी और सी डी, तो ये धुरी जो है वो एक ही दिशा में घूर्णन करती रहेगी। तो जो विभक्त वल्लय का कार्य है वह यही है कि जो हमारी धुरी रखी हुई है यह एक ही दिशा के अंदर घूर्णन करती रहे। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग हैंड रूल जो हमारी जो ए बी फोर्स, ए बी आर्म है वो डाउनवर्ड फोर्स को फील करेगी, और जो सी डी आर्म है वो किसको फोर्स को फील करेगी, अपवर्ड फोर्स को फील करेगी। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये फोर्स क्या होगा, सी डी जो है वो अपवर्ड फोर्स करेगी और ए बी जो है वो डाउनवर्ड फोर्स करेगी, और धीरे धीरे ये मूव करते हुए सी डी जो है वो यहाँ आ जाएगी और ए बी जो है वो यहाँ आ जाएगी। और इसी तरह से एट दिस पोजिशन जो कॉन्टेक्ट है कम्यूटेटर का और ब्रश का ब्रेक हो जाएगा, तो सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, तो फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर जैसे ही कॉइल जो है वो घूमे बननी होगी इनर्शिया की वजह से, जैसे ही हम कॉइल को दोबारा घुमाएंगे, कॉइल घूमने की वजह से क्या होगा, वो दोबारा ब्रशेस B1 और B2 के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर कॉइल जो है वो दोबारा घूमेगी, फिर
फिर हमारी कॉइल जो है वो ऐसे ही घूमती रहेगी, पहले 90 डिग्री से, फिर 180 डिग्री से, फिर 270 डिग्री से, फिर 360 डिग्री पे. नाउ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन आर्म ए बी इज डाउनवर्ड एंड सी डी इज अपवर्ड. जैसे ही जो फोर्स है वो हमारी कैसे लग रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है. हमने देखा था ना यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है. जैसे ही कॉइल जो है वो रोटेट होगी, फिर से वही प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यू रहेगी. और विभक्त वाल्य का कार्य क्या होगा कि इन कॉइल डीसी को एक ही दिशा में रोटेट करता रहे. इस फिगर में भी हम बहुत आराम से देख सकते हैं, यह है हमारे स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं. जब इसमें से करंट जाएगा आई, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे लगेगी, नॉर्थ से साउथ इस दिशा में लगेगी. और बल जो है नॉर्थ से साउथ लग रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली जो आर्म है वो नीचे की तरफ जाएगी और ये वाली आर्म जो है वो ऊपर की तरफ एक बल को महसूस करेगी. आइए इसके प्रयोग देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के. इलेक्ट्रिक मोटर के प्रयोग जो है, अभी हमने सबसे पहले बात की पानी को ऊपर नीचे ले जाने में यूज होता है. इसके अलावा मोटर को हम बहुत सारे इंजन को चलाने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि मोटर का यूज होता है कार के अंदर, क्लॉक्स के अंदर जो मोटर लगी होती है पीछे, जिसकी वजह से हम टाइम देख पाते हैं, ड्रिल्स में, फैंस में, फ्रिजेस में, हर जगह मोटर का प्रयोग किया जाता है. हेयर ड्रायर में, टूथब्रशेस में, वैक्यूम क्लीनर्स में, वाटर पंप्स में. वाटर पंप्स में किस लिए यूज होता है, जैसे वाटर पंप्स तो वही हो गए, और फिश टैंक्स में यूज होता है. फिश टैंक्स में पानी, देखा होगा ना जो एक्वेरियम बने होते हैं उसके अंदर पानी ऊपर नीचे घूमता रहता है, उसके अंदर छोटी सी मशीन लगी है ताकि फिशेस को वही वाली फील आए. सेंट्रल हीटिंग इंजन में, फायर फाइटिंग में, वॉशिंग मशीन में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, डीवीडी प्लेयर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में. तो आज हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रिक मोटर में हमने सीखा कि वह एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. फिर हमने उसके सिद्धांत को सीखा. सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ने का प्रयास किया, जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसके थ्रू करंट पास किया जाता है, तो वह एक बल को फील करती है जिसके कारण वह मूव करती है. इसी सिद्धांत को यूज करके और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें यह दिशा बताएगी कि वह किस दिशा में मूव करेगा. तो इन दोनों का प्रयोग करके हम मोटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं. उसके अंदर हम दो स्ट्रोंग मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ और साउथ, और बीच में एक आर्मेचर कॉइल लगा देते हैं जो नॉर्थ और साउथ के लंबवत होती है, जिसके कारण जब हम उसे इस कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे रखा जाता है, तो वह एक बल को महसूस करती है जिसके कारण वह घूर्णन करती है. उस घूर्णन के कारण उसके अंदर क्या होता है, एक फोर्स लगती है जिसके कारण यह धुरी रखी हुई, यहाँ पर जो धुरी है जो कम्यूटेटर से कनेक्टेड है, वह भी घूमती है. और इस कनेक्शन की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है, एक तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, करंट पास करवा रहे हैं, उस करंट को हम इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. और इस का हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं, जहां पर भी किसी भी मोटर का प्रयोग किया जाता है. हमारे आसपास सारे ही यंत्र इस तरह के हैं जिसके अंदर मोटर का प्रयोग किया जा सकता है. तो आप अपने आसपास, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसके अंदर मोटर का प्रयोग किया जा रहा है, और अपनी कॉपी में लिखेंगे. थैंक यू.